हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ और इंग्लिश के वर्ड्स समझेंगे, उनका मीनिंग। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास इग्नोमिनी। इसका मतलब होता है एम्बेरसमेंट। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई आपको बहुत उल्टी बात बोल दे या आपको कोई चोर बोल दे, तो आपको कैसा लगेगा? एम्बेरसमेंट फीलिंग मीन्स बहुत ज़्यादा ही खराब लगना। नेक्स्ट है इम्पीच। इम्पीच का मतलब तो महाभियोग। ये वर्ड आपने सुना होगा जब मेनली यूएस वगैरह में महाभियोग की कार्रवाई होती है, कि या फिर जैसे राजा महाराजाओं जो टाइम पे होती है, कि किसी ने कुछ गबन वगैरह कर लिया तो महाभियोग लग जाता है उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे टर्म इम्पेटस। इसका मतलब एक्टिंग क्विकली, मतलब मान लो आपको कोई बात पता चली और एकदम से आप एक्ट करें। मान लो आपको पता लगे कि आपके गुडाउन में आग लग गई है, आप क्या करोगे? फटाफट गाड़ी उठाएंगे और भागेंगे अपने गुडाउन के पास, तो उसे बोलते हैं इम्पेटस। नेक्स्ट वर्ड है कॉनिव। कॉनिव का मतलब तो टू वर्क सीक्रेटली, मतलब चुपके से काम करना। जैसे कि हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला जब करा था तो कॉनाइन, मतलब सीक्रेटली काम किया और उनके ऊपर हमला कर दिया। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एसेट्स। इसका मतलब होता है नकली, जैसे नकली दूध, नकली तेल वगैरह आता है मार्केट में, तो वो एक वर्ड यूज होता है एसेट्स। इक्विपमेंट, इसका मतलब होता है एडिशनल इक्विपमेंट, मतलब कोई इक्विपमेंट है उसके साथ कुछ और इक्विपमेंट एडिशनल ऐड हो गया, तो बस जैसे कि पहले स्प्रे पंप होते थे, आजकल उनमें जो है इलेक्ट्रिक मोटर लग गई है, उससे स्प्रे करना आसान हो गया है। यूलोगाइज, इसका मतलब होता है टू प्रेज समबडी, किसी की बहुत तारीफ करना, तो उसको बोलते हैं यूलोगाइज। बुलियन वर्ड, इसका मतलब होता है गोल्ड या सिल्वर। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट आर बुलियन मार्केट्स, तो ये होता है गोल्ड और सिल्वर जहाँ ट्रेड होते हैं, तो उसको बुलियन मार्केट बोलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।